आवाज अपने औरंगाबाद की। महापौर लोकांना पाणी साठी वंचित असणारे महापौराचं करायचं काय? विकासाचं नाव खाली वंचित ठेवणारे महापौराचं करायचं काय? एमआयएम पार्टी बहुजन वंचित आघाडी दलित मुस्लिम इत्तेहाद एमआयएम पार्टी बहुजन वंचित आघाडी काय आरोप आहे? महापौर साहेब हा जनतेचा पैसा महापौर साहेब स्वतःचा समजून खर्च करताय। आम्ही त्यांना याची जाणीव करून देतो की हा त्यांचा पैसा नाहीये। त्यांना असं वाटतं आम्ही मी त्या खुर्चीवर बसलो तर सगळं अशी सत्ता मला अशी मिळाली की मी आता कोणाचाच विचार करणार नाही। मला जसं वाटत तसं मी मनमान का खर करणार आहे। तुम्ही आता हे 20 लाखाचे फोटो काढता, तुम्ही आता या फोटोचं प्रदर्शन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च सेंटर किंवा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज रिसर्च सेंटरमध्ये भरवा। आम्हाला बघायचे तुम्ही काय फोटो काढले त्याच्यामध्ये असं विशेष काय की 20 लाख रुपये खर्च करतात? तुम्हाला चहा पाण्याला 1-1, 2-2 लाख रुपये लागतात, असं काय खर्च करता तुम्ही? अहो याच्यातला 1% खर्च तुम्ही जनतेवर केला असता ना तर त्यांचे किती सगळे प्रश्न सुटले असते। बरं, काय पुढं आंदोलन राहणार? 1 महिना आंदोलन चालवणार? कसे कसे आंदोलन? आम्ही आता त्यांचा सगळा भ्रष्टाचार समोर आणणार आहे जनतेच्या, की ते महापालिकेमध्ये जे प्रस्ताव मांडतात त्या प्रस्तावाचं ते टेंडर काढत नाही, ते डायरेक्ट कोटेशन आणतात आणि सभागृहातून मंजुरी करून घेतात। आणि हे जो भ्रष्टाचार त्यांचा चाललाय आम्ही हा सगळ्या जनतेसमोर आणणार आहे। औरंगाबाद महानगर पालिका के सामने 1 दिन का रखा गया है। इसका खास और खास मकसद ये है कि औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद की आवाम के सामने ये सारी चीज़ें उजागर की जाए। जैसे हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन सदस्य भाई अरुण बोर्डे, मिस्टर नासिर सिद्दीकी साहब, इन्होंने अभी मीडिया से बात करते हुए बताया किस तरीके से औरंगाबाद महानगर पालिका पे सत्ताधारी शिवसेना बीजेपी कांग्रेस की मदद से यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसको उजागर करने का हम यहाँ पर इसको काम कर रहे हैं ताकि जनता के सामने लाया जाए कि औरंगाबाद शहर आज कचरे की दलदल में डूबा हुआ है। औरंगाबाद शहर में खड्डे नहीं है बल्कि खड्डों के अंदर औरंगाबाद शहर जो है तो नज़र आ रहा है। करोड़ों रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलने के बाद में भी आज तक पूरी तरीके से 100% उस निधि का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये काम पूरे नहीं हो सके। इसकी वजह क्या है? इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही समझ में आती है, इसका जो भ्रष्टाचार है, इनका अपना जो जाति मफाद इसके अंदर है, उस मफाद के चलते औरंगाबाद शहर को ये गड्ढे में ढकेल रहे हैं, कचरे में ढकेल रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से रोड्स के लिए फंड आए या भूमिगत गटार योजना के लिए फंड आए, वो काम पूरे क्यों नहीं हो सके? शहर के सुशोभीकरण के लिए जो पैसा आया आज भी वो काम पूरे कंप्लीट नहीं हो सके। स्टेट गवर्नमेंट की जो रोड्स के लिए फंडिंग गवर्नमेंट ने दी थी आज भी वो काम कंप्लीट नहीं हुए। उसकी क्वालिटी भी खराब है, काम इनसे हो नहीं रहा है। ये काम इनसे क्यों नहीं हो रहा है? प्रशासन के ऊपर इनका कंट्रोल क्यों नहीं है और प्रशासन अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे प्रशासन हो, चाहे यहाँ के सत्ताधारी हो, ये सारे लोगों को हम पूरी खुली तरीके से आह्वान करते हैं कि आपका भ्रष्टाचार जो है हम पूरी तरीके से इसको उजागर करेंगे और जनता के सामने लाने का कोशिश करेंगे। आज जनता को पानी नहीं मिल रहा है, कचरे का जो है तो मसला खड़ा हुआ है, रोड्स के इश्यू वैसी है और वो छोड़कर प्रशासन और सत्ताधारी लाखों रुपए अपनी मर्जी से फोटो सेशंस और फजूल खर्ची के ऊपर खर्च कर रहे हैं। औरंगाबाद महानगर पालिका की मैं समझता हूँ ये इतिहास में और ऑल ओवर इंडिया के ये इतिहास में एक पहली घटना होगी जहाँ महानगर पालिका के सामने चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हो, ईद का त्यौहार हो या आने वाली दिवाली का त्यौहार हो, इसके सामने कॉन्ट्रेक्टर्स 2-2, 3-3 लाख रुपये के लिए कुशन के ऊपर बैठते हैं। उनका हक, उन्होंने काम किया, अपना पैसा लगाया। कई कॉन्ट्रेक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने महानगर पालिका को खुदकुशी करने की धमकी तक यहाँ तक दे दी। ये समझ में आता है कि प्रशासन कितना जो है तो भ्रष्टाचार में लिप्त है और कितना सीरियस है शहर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। इसी को हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से, वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इसको उजागर करेंगे। जैसे हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने बताया है कि हम स्टेप बाय स्टेप इनकी सारी सीरीज चलाएंगे, इनके भ्रष्टाचार एक एक करके हर महीने में हम इसको उजागर करते रहेंगे। मेयर के थ्रू जो हो रहे हैं घोटाले उसको उजागर करने के लिए रखा गया है। मैं यहाँ की आवाम को जनता को बताना चाहता हूँ कि ये महापौर साहब ने अपने फोटो सेशन में 20
लाख रुपए खर्चा किए, और ये सिर्फ इनके कार्यकाल के फोटोज हैं। और इन्होंने जो 20 लाख रुपए के फोटोज लिए, वो ये नहीं पता कि ये फोटोज कहाँ पर है, क्या है। अभी विरोधी पक्ष नेता ने भी हमारे सवाल किया कि अगर वो फोटोज अगर आपने निकाले होंगे तो इसकी एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाए अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में या छत्रपति रिसर्च सेंटर के शिवाजी महाराज। तो हम चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो है ये उजागर हो, और इसके ऊपर यहाँ के कमिश्नर जो है, अगर इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है तो ये इसके ऊपर एक्शन लें, और अगर महापौर ने अपने पद का दुरुपयोग किया तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और इनको महापौर के पद से नहीं बल्कि इनको महानगर पालिका के सदस्यता से भी इनको हटाना चाहिए। ऐसी डिमांड को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा कई और घोटाले हैं जो महानगर पालिका में हुए भी है और होने जा रहे हैं। जिस दिन हमें सभागृह से बाहर किया गया उस दिन भी एक प्रस्ताव यहाँ पे पास हुआ है कि 1 करोड़ रुपए की मशीनरी परचेस करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, जबकि रूल ये है कि उसका टेंडर कॉल करना चाहिए, और टेंडर कॉल करने के बाद कंपटीशन करना चाहिए। कंपटीशन में महानगर पालिका का फायदा होता है, इसलिए टेंडर कॉल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी न किसी से चीनी मिली लेकर अपने पसंद के कॉन्ट्रैक्टर को लाया जा रहा है और उन्हें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो इससे पूरे शहर का बर्बादी हो चुकी है। और ये बर्बादी हम रोकने के लिए MIM पक्ष सक्षम भी है, और इनके आँख में आँख डालकर बात करेंगे, और इनसे सारे घोटालों को उजागर करके कई अधिकारी हो या यहाँ के सत्ताधारी हो, इनको जेल भिजवाने का काम हम लोग करते रहे। जो घोटाले देखिए, इसके बाद में हम जो है तो नगर सचिव के पास में मंत्रालय में यहाँ डिविजनल कमिश्नर हमारे जो सुनील केंद्रेकर साहब हैं उनके पास भी निवेदन देंगे, और इसको हम लगा अगर ये लोग ध्यान में अगर यहाँ से कुछ किए तो हम कोर्ट में जाने की तैयारी रखते हैं। ये चाय पानी के बदले अगर आपने लोगों को पानी दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वरना ये तो तय है कि आने वाले इतने साल आप लोग आज मौज मस्ती कर लीजिए, अगली बारी को यहाँ बहुजन वंचित आघाड़ी और MIM अपना महापौर बिठाने वाली है, और जब आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट कैसा होता है। अरे आपको खासदार साहब ने, मैं समझता हूँ, कुछ भी सवाल किए भी, सिर्फ 4 सवाल किए तो आप कहते हैं कि 9 सीखिए हैं और ऐसे सवाल कर रहे हो। मैं समझता हूँ अगर सीखने के बाद में आपके जैसे भ्रष्टाचार करना सीखता है इंसान तो इतना हमको सीखना भी नहीं है। 9 सीखिए अच्छे है जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि शहर का विकास हो, ये ऐसे 9 सीखिए बहुत अच्छे हमारी नजर में। आपके जैसे सीखने वाले हमारे को होना भी नहीं, ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे सीखने वाले अगर भ्रष्टाचारी है तो ये हमारे को नहीं चाहिए। और दोस्तों, पिछले 25 साल से यहाँ पर सत्ता तो महानगर पालिका के अंदर शिवसेना और BJP की है, लेकिन इनको इनके भ्रष्टाचार में सक्षम करने वाले कौन लोग हैं? ये कांग्रेस और NCP के लोग, ये भी बहुत सक्षम है इनको अगर ये भ्रष्टाचार के अंदर लिपित कराने के अंदर इन्होंने बहुत सक्षम बनाया है। अगर ये आंख में आंख डालकर बात करते ना कांग्रेस और NCP के लोग तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसा ये लोग परेशान है कि MIM पक्ष जो है इनके हर घोटाले को बाहर निकाल रहा है, ऐसे कई घोटाले हैं, टाउन प्लानिंग के अंदर घोटाले, साइकिल घोटाले, ये जो यहाँ पर अभी जो पानी की स्कीम थी इसके अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला होने वाला था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज नवनिर्वाचित खासदार इम्तियाज जलील साहब है उन्होंने बहुत दूरअंदेशी से काम लिया और ये स्कीम को वहीं पर जगह पर रोक के रखा, क्योंकि ये चाहते हैं हम लोग कि ये स्कीम ये किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू ना हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के थ्रू एक तो इन लोग भ्रष्टाचार भी करेंगे, इनकी जेब भी भरेंगे, और उसके बाद वो जो भ्रष्टाचार होने वाला है वो पब्लिक की जेब से भी लेने वाले थे। इसलिए हमने चाहा कि ये काम जो है MJP के थ्रू कराएंगे तो ये लोगों को बहुत चुभ रहा है कि ये भाई सरकारी एजेंसी से अगर काम किया गया तो इनका मसला हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कचरे के अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इनको पैसा देकर साल भर रहा, लेकिन आज भी कचरे का मसला बना हुआ है। उसके बाद 100 करोड़ रुपए के रोडों के लिए पैसा आया, आज वो रोडों की क्वालिटी आप जाकर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये जब पैसे लेते हैं तो ये कॉन्ट्रेक्टर से हाथ में हाथ डाल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इनके दबे हुए। लेकिन महापौर साहब, आपको ये तमाम सवालों का जवाब आने वाले 1 महीने तक देना पड़ेगा, और 1 महीने के बाद आपके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है, और पब्लिक ने हमें चुनकर दिया है यहाँ पर मुद्दे उठाने के लिए। अगर इसके बाद
कोई मुद्दा आपका रहेगा तो हम बिल्कुल आपके विरोध में खड़े रहेंगे, हमेशा से खड़े आते रहे और खड़े रहेंगे। और आप ये ना सोचिए कि आप हमें सस्पेंड करने से हम डरेंगे नहीं, आपका जो करना है आप कर सकते हैं, करिए। लेकिन ये भ्रष्टाचार जो आप कर रहे हैं, चाय के ऊपर 11 लाख 4 लाख खर्चा, ये बंद कर दीजिए। आप अगर नहीं भी बंद करते तो हमारे नगर सेवक साहब आप इसके बाद इंशाल्लाह आपको बंद करना चाहेंगे। खुदा आवाज अपने औरंगाबाद की।